सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम दिगंबर प्रसाद जोशी है। कहाँ से आए आप? सर जी मैं मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। गांव का नाम गढ़िया है और पट्टी खासू डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल है। वर्तमान में गुरुपाल नगर कोट मंगल सिंह लुधियाना में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी उससे पहले आनंद मूर्ति गुरु माता एक संत हैं, उनके साथ उनके सानिध्य में करते थे भक्ति। वो जो है सवा घंटा सवेरे सवा घंटा शाम को आंखें बंद करके हठ योग करने को बताते थे। कभी आसाराम जी का, कभी सुधांशु महाराज जी का, कभी विश्वास महाराज जी, ये जो संत हैं इनके सत्संगों में जाया करते थे। तो उसके बाद किसी भक्त ने कह दिया कि आशुतोष महाराज जी जो नूरमहल के संत हैं वो भगवान को दिखाते हैं, उनसे दीक्षा ले लो। तो उनके कहने पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आशुतोष महाराज जी के सत्संग में गया और वहाँ उनसे दीक्षा ली। वो कहते भगवान को दिखाते हैं, तो उन्होंने वो दीक्षा भी मैंने ली और वो साधना मैंने 7 साल के करीबन की। क्या हम ये मान सकते हैं कि आपने भगवान को देखा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। वो झूठ बोलते थे, वो प्रकाश दिखाते, प्रकाश दिखाना देखना भगवान देखना नहीं है जी। तो क्या था वो, आज आप उस चीज़ को क्यों झुठला रहे हैं? क्योंकि परमात्मा तो ऊपर सतलोक में तख्त पर बैठा है, साकार है वो, निराकार नहीं। वो निराकार मानते थे भगवान को, भगवान निराकार नहीं, भगवान साकार है, सारे ग्रंथ जो हैं वो बताते हैं। आपको ये ज्ञान कहाँ से हुआ? संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। जब मैंने उनकी लिखी हुई पुस्तक गहरीजर गीता में एक भक्त जी ने मेरे को रिटायरमेंट के दौरान दी थी, वो जब मैंने पढ़ी और उसके पढ़ने के बाद जब मैंने सारा उसको कंप्लीट पढ़ा 2-3 दिन में, तो मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। ये आशुतोष महाराज जी बताते थे कि गीता जी का ज्ञान जो है कृष्ण जी ने दिया। जब मैंने वो बुक पढ़ी असलियत का पता लगा, तो पता लगा कि ये गीता का ज्ञान तो कृष्ण जी का, इसमें रोल ही कोई नहीं, ये तो काल निरंजन ने बोला था, भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोला था। तो वो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान वाले ये झूठ बोलते थे, इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की आपने पुस्तक पढ़ी, जिससे आपको पता चला कि आशुतोष महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो सही नहीं है, वो गलत है, वो शास्त्रों में वर्णित नहीं है। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या ज्ञान देते हैं? सबसे पहले तो ये है भगत जी कि उनको जो सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज ने बताया, वो सृष्टि रचना मूल ज्ञान है। उसके जाने बगैर किसी ग्रंथ का ज्ञान हम नहीं जान पाते। वो ही मूल ज्ञान, वहीं से पता लगा कि ये गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने नहीं, काल निरंजन ने बोला था। क्या संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं, क्या उसका कोई प्रमाण भी देते हैं साथ में? जी बिल्कुल, हर एक का प्रमाण देते हैं साथ में, ढेरों सारे प्रमाण संत रामपाल जी ने बताए, देवी भागवत से और सूक्ष्म वेद से और कई ग्रंथ है, जैसे महाशिव शिवपुराण है और संतों की वाणियाँ, उनसे भी उन्होंने प्रमाण दिखाए हैं बिल्कुल। सर आपको प्रमाणों के साथ यकीन हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी सही ज्ञान देते हैं, तो सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 3 सितंबर 2009 को प्रथम मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी से लिया। सर हम आपसे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पूछना चाहेंगे कि पहले आप 7 साल से आशुतोष महाराज जी से जुड़े रहे और 2009 से आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो आपको इन दोनों संतों में क्या भिन्नता नज़र आई? बात यह कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दीक्षा देते हैं, जो भी किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो वेदों में लिखा है कि उसके सारे कष्ट परमात्मा दूर कर देता है। और आशुतोष महाराज जी नूरमहल वाले कहते थे कि जो उसमें लिखा हुआ है वो कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, और न उनको शिष्य रचना का ज्ञान है, न उनको ये पता कि गीता का ज्ञान किसने दिया। वो इस मामले में उनका ज्ञान शून्य है। संत रामपाल जी का ज्ञान बिल्कुल वेदों पर आधारित है, सभी ग्रंथों पर आधारित है, वो सत्य ज्ञान है बिल्कुल। जो आशुतोष महाराज जी के आश्रम में जब हम जाते थे भंडारे में, तो उसके बाहर जो स्टॉल लगते थे, तो वहाँ अगर हमने अगर कोई चीज़ खानी है तो उसके पैसे देने पड़ते थे। पैसे दे के हम चीज़ खा सकते थे, वैसे नहीं खा सकते, वहाँ पैसे लेते थे। और संत रामपाल जी महाराज जी के? संत रामपाल जी के आश्रम में कोई पैसा नहीं लिया जाता। मैंने जब नाम दीक्षा ली थी तो मैंने वहाँ देख के हैरान हो गया कि चाय पानी और भंडारा वहाँ सब निःशुल्क है, और ज्ञान दीक्षा की जो चीज़ें दी जाती हैं स्वरूप वगैरह सब वो निःशुल्क थे। वहाँ भंडारा खुला था, परमात्मा की दया से खुला था संत रामपाल जी महाराज। और क्या अंतर है? और उन अंतर उनमें ये है कि वो जो है खुद सत्संग नहीं करते। आशुतोष महाराज जी सत्संग नहीं करते बिल्कुल नहीं। वो उनके चेले जो है उनके शिष्यों को ऑर्डर दे रखा कि तुम सत्संग करो, लेकिन यहाँ वास्तव में है कि संत रामपाल जी महाराज खुद ही एक एक चीज़ को खोल खोल के ग्रंथों के आधार पर बताते, इतना फर्क है दोनों में। वो शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करते, यहाँ शास्त्र के अनुकूल ज्ञान दिया जाता है। मैं 7 साल तक आशुतोष महाराज जी से जुड़ा रहा,
लेकिन मैंने कभी भी उनके उनसे मुलाकात नहीं हुई मेरी, कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। जब प्रार्थना भी लगाई तो उन्होंने नहीं जाने दिया, मुझे उनके पास जाने नहीं दिया। और संत रामपाल जी? संत रामपाल जी महाराज के तो हम दर्शन जिस दिन जाते थे सत्संग सुनने के लिए, तो दर्शनों के लिए लाइन लगती थी, उसमें हम भी दर्शन के लिए जाते थे, अपना सुख दुख अपना उनको वो बताते थे, वो हमको बताते थे भाई ऐठा करो बेटा ऐसा करो, वो सब समस्याओं का हमारा समाधान कर देते थे। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी बिल्कुल, वैसे तो लाभ बहुत सारे हैं, पर थोड़े से बताऊंगा मैं। जो हमारी बहू है उसकी प्रेगनेंसी थी, तो 4 महीने की प्रेगनेंसी, वो हर 4 महीने के बाद वो ख़राब हो जाती थी, दो प्रेगनेंसी ऐसी ही ख़राब हुई। तो हर बार हम उनसे प्रार्थना करते थे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान तो हमने आशुतोष महाराज जी से दिल्ली में फ़ोन लगाया, तो वहाँ से जी जवाब आया कि आपको कर्म का फल जो है वो भोगना ही पड़ेगा, जो आपके भाग्य में हानि लाभ लिखा है वो भोगना ही पड़ेगा, वही उनका ये जवाब था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जब गुरु जी से प्रार्थना की, तो गुरु जी कहते बेटा उनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है और वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा पूर्ण जो पाप होते हैं घोर से घोर पाप उसको भी नष्ट कर देता है और पूर्ण लाभ अपने साधक को देता है। तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें जो है वो पोता मिला और इस समय 10 साल का हो चुका है, उन्हीं की कृपा से मिला, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। सर और क्या क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज जी से? और एक बार मैंने आँखों का ऑपरेशन कराया था, तो कुछ 1 साल के बाद आँखों के आगे जी आँखें इनके आगे जो है ना फिर थोड़ा दिखना बंद हो गया, और 10-15 फुट के फासले पर कोई गाड़ी कोई स्कूटर कोई खड़ा होता तो उसको मैं देख नहीं पाता, नंबर नहीं नोट कर पाता था क्या नंबर लिखा है। तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा आपकी आंखें तो स्वस्थ हैं बिल्कुल, नंबर भी आपका ठीक है, ये दवाई ले जाओ डालते जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। मैंने कहा मेरे को दिखता क्यों नहीं? फिर आया मैंने 10-15 दिन वो दवाई डाली, लेकिन उससे आराम कोई नहीं हुआ। इस दौरान प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, तो वहाँ से गुरु जी ने आदेश दिया कि परमात्मा दया करेंगे बेटा भक्ति करते रहो। तो जब उसी डॉक्टर के पास दोबारा गए तो उस डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं जी हम 2000 रुपये लेंगे, 4000 और से लेते थे, तुमसे 2000 लेंगे, थोड़ा सा जाला आपकी आँखों में आ रखा है इसको साफ़ कर देते हैं। तो उन्होंने 10 मिनट वो साफ़ करके आँखें कर मुझको फिर कह रहे टेस्ट करा लो आप। तो बाहर आए तो जब टेस्ट कराई तो जो लड़का वहाँ पर बैठा हुआ था वो बोला कि अंकल जी आपकी आँखें तो बिल्कुल बच्चों जैसी हो गई, ये फ़ायदा हुआ ये। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी भगत समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाइयों और बहनों इस संसार में जितने भी गुरु हैं ये सब शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करा रहे हैं भक्त, और इनसे कोई लाभ नहीं होने वाला, ये सब काल के मुख में भक्तों को डाल रहे हैं। तो प्रार्थना आप लोगों से है कि आप संत रामपाल जी का सत्संग जो है साधना चैनल है ईश्वर टीवी है श्रद्धा है इन पर आता है, आप सत्संग को सुनिए, और सत्संग के दौरान उस नीचे जो है पीली पट्टी आती है उस पीली पट्टी पर नंबर दिए होते हैं, तो आप उन नंबरों पर फ़ोन लगाइए, और फ़ोन लगाने के बाद जब वहाँ से एड्रेस पूछे कि आप किस इलाके में रहते हैं तो उस इलाके से भक्त लोग आपको जो है वो बता देंगे एड्रेस कि आपके इलाके में कौन सा सेंटर है, आप वहाँ से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। जी धन्यवाद।